नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में गुरुवार देर रात से अलग अलग कारोबारियों के यहां चल रही जीएसटी विभाग की कार्रवाई शनिवार सुबह तक जारी रही। जीएसटी विभाग ने शहर के एक दर्जन से अधिक गारमेंट कारोबारियों के यहां छापे मारे हैं। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने यह कार्रवाई राजवाड़ा रेडीमेड कॉम्प्लेक्स से लेकर रिवर साइड रोड व अन्य जगह की है। छापे की कार्रवाई की कई कारोबारियों को जब भनक पड़ी तो उन्होंने अपने दुकान गोदाम बंद कर दिए। बताया जा रहा है कि कई प्रतिष्ठानों से बड़ी मात्रा में स्टॉक के साथ साथ संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। विभाग को अंदेशा है कि बिना बिल का माल खरीद कर बेचा जा रहा है, जिसमें 5% जीएसटी की चोरी की जा रही है। की टीम रिवरसाइड रोड पर जाँच करने आई थी और यहाँ पर 7 व्यापारियों के ऊपर उन्होंने जाँच करी। उन्होंने अपना काम किया, सेंटर से आई थी टीम, उनका नियम में अनुसार उन्होंने जांच करा, लेकिन जिस प्रकार की अफवाहें और जिस प्रकार की गलत प्रचार बाजार में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में हो रहा है कि ये लोग इतना व्यापार 2 नंबर का करते हैं, कलकत्ता का माल इनका ऐसे बिना बिल से आता है, उल्लासनगर लुधियाना का माल बिल से आता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कलकत्ता से इंदौर माल आने के बीच में कितने स्टेट लगते हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कितने राज्यों से क्रॉस होकर माल आता है, क्या ये संभव है कि बिना बिल से वहाँ से यहाँ पर माल आ जाए? इतने राज्य क्रॉस होकर, सब राज्यों की चौकियाँ जीएसटी की चोर थोड़ी है, माल बिल से ही आता है। लेकिन जीएसटी वालों का ये काम है, उनका ये नियम है कि वो किसी भी दुकान, किसी भी परिसर में जाकर जाँच करें कि किस प्रकार से व्यापार हो रहा है, 2 नंबर में व्यापार तो नहीं हो रहा है, ये उनका काम था। तो वो आए थे अपनी जाँच करने, और जब जाँच करने आते हैं तो दुकानों पे कुछ अनियमितता होती है, कोई भी दुकान परफेक्ट नहीं है। जीएसटी की टीम कहीं पर भी जाती है सर्वे करने, कहीं भी जांच करती है, तो थोड़ी बहुत अनियमितता मिलती है। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि जीएसटी की टीम किसी प्रतिष्ठान पे गई हो और बिना किसी कार्रवाई के और बिना कुछ अनियमितता से वापस आ गई हो कि यहाँ पर सब परफेक्ट है? थोड़ा बहुत होता है। जीएसटी के नियम ही इतने कठोर हैं कि व्यापारी उसको पूरा कर ही नहीं सकता है। थोड़ी बहुत अनियमितता हो जाती है, वो उनको वहाँ पर मिली है और ठीक कर लेंगे हम। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब प्रतिष्ठानें बराबर खुली है। अब जब आता है तो छोटा व्यापारी डर जाता है, जब कोई जीएसटी की टीम आती है तो थोड़ा छोटा व्यापारी घबरा जाता है, तो दुकान 1-2 घंटा लेट खुली होगी। सब मार्केट बराबर खुल रहा है, सब व्यापार बराबर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जो भी सोशल मीडिया में प्रचार हो रहा है कि 1 करोड़ की चोरी मिली और ऐसा हो गया, बिना बिल से माल आता है, सब झूठी खबरें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।